हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो में आप देख सकेंगे आयशा बेग की स्किन केयर रूटीन। तो आयशा बेग ने अपनी स्किन केयर रूटीन के हवाले से एक और वीडियो अपलोड की है और ये उसी प्रोडक्ट्स को बार बार रिकमेंड करती है जिससे उसके रिजल्ट अच्छा होता है। आयशा बेग ने आज ये वीडियो अपलोड की है जिसमें उसने अपनी स्किन केयर के बारे में और इसके साथ साथ और भी मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह रिकमेंड किए हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद होंगी लोगों के लिए। आयशा बेग ने कहा था कि ये सारे प्रोडक्ट मैं ऑर्गेनिक ट्रेवलर से मंगवाती हूँ जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो आप उसकी वीडियो देखिए। I was live the other day and everybody was asking me कि आप अपनी स्किन केयर हमें बताएं। So I told them कि आप मेरी स्टोरीज देखा करें because I'm always mentioning the products I'm using in my skincare. Okay, I'll top it all off with this barrier repair moisturizer. बाद हम लोग टॉप पे सनस्क्रीन लगा लेंगे। लाहौर में आजकल सन नजर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा but the UV rays are still there. You need to protect your skin from all the harmful rays. जैसे कि शादियां आ गई है तो आयशा बेग ने कहा था कि ज्यादातर शूटिंग वगैरह मैं इंडोर ही करती हूँ और बाहर कहीं जाती नहीं हूँ। जैसे कि आयशा बेग ने कहा था कि बिल्कुल भी धूप वगैरह यहाँ पर नहीं निकलती और तकरीबन एक हफ्ता हो गया है कि ना बारिश आती है और ना धूप निकलती है, सिर्फ अंधेरा ही चाय होता है और रात के टाइम तो 5 बजे के बाद बिल्कुल ही धुंध आ जाती है और इस वजह से हम किधर बाहर जा नहीं सकते। तो इसलिए ये लोग दुबई भी जा रहे हैं जो कि कुछ दिन वहां पर गुजारेंगे। तो कल इन लोग की दुबई की फ्लाइट है क्योंकि न्यू ईयर भी करीब है, तो न्यू ईयर से पहले पहले ये 2-3 दिन गुजारेंगे और न्यू ईयर भी वहां पर गुजारेंगे। तो वहां पर बहुत ज्यादा मजा इन लोगों को आएगा क्योंकि इन लोगों की तो पूरी टीम बन गई है, जैसे कि इकरा एस्ट्रोलॉजी और इसके साथ साथ अरीब परवेज और डकी और अरूप, ये सारे लोग भी उन लोगों के साथ जाएंगे। तो इस वजह से ये लोग बोर रहेरा नहीं होंगे। इकरा एस्ट्रोलॉजी और अरूप उसके बाद तो ये लोग दुबई टूर के बाद ये लोग फिर इंटरनेशनल टूर पर जाएंगे। के लिए इतना ही। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अब तक के लिए इतना ही। ओके बाय।